हाय, माय नेम इज मनीष शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कहा था आपको कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में चार्ट स्ट्रक्चर काफी खराब है और सेल में ही करके काम करना चाहिए, सेलिंग में ही रहना चाहिए। और सेल की पोजिशन में अगर आपने बनाई हो तो आज के दिन में काफी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला है। और अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कल क्या करना है। कल के दिन में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड हमें लेना चाहिए इंट्राडे में, और कौन से स्टॉक्स पर हमें फोकस करना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसमें ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये ट्रायंगल से अगर आप देखें, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये क्लोजिंग इसने काफी खराब दी है, ट्रायंगल ब्रेकडाउन इसने दिया है। एंड ये ट्रायंगल ब्रेकडाउन है आवरली चार्ट पे, तो मुझे लगता है कल के दिन में या आने वाले दिनों में भी वापस हमें काफी अच्छा एक फॉल देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है यहाँ से करीबन 700-800 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो 17,800 या 18,000 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में। आप आवरली चार्ट, डेली चार्ट भी हम देखते हैं, डेली चार्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको कल ही बताया था कि स्ट्रक्चर काफी खराब है। ये देखिए, ये फॉल आया था और ये रिट्रेसमेंट था और वापस ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। तो जैसे मैंने कल बताया था, वापस मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेल में ही रहिए, इंट्राडे और पोजिशनल आप बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। सेल में रहिए, सेल में अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। और मुझे लगता है यहाँ से करीबन 17,500-17,800 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। इनफैक्ट मुझे लगता है निफ्टी ज़्यादा वीक है देन बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू, क्योंकि अगर आप देखें बैंक निफ्टी में आज कंपेरेटिवली निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा फॉल हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी करीबन 7,850-7,900 तक के लेवल दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ से करंट लेवल से करीबन 300-400 पॉइंट का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी का भी चार्ट स्ट्रक्चर सेम वैसा है, फॉल हुआ था, रिट्रेसमेंट रैली था जैसे मैंने आपको कल समझाया था वीडियो में, और वापस हमें आज सेल ऑफ ही देखने को मिला है, करेक्ट। अब स्टॉक्स कौन से इंट्राडे के लिए फोकस करने हैं, क्योंकि मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फॉल होगा, यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन हमें और देखने को मिल सकता है। सो डेफिनेटली जो दिग्गज स्टॉक है, जो लार्ज कैप्स है, उसमें हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है लार्सन एंड टोब्रो, एल एन टी में अगर आप देखें, ये डेली चार्ट है, इसमें भी आप देखें यहाँ से सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड अगर मैं आपको आर्ली चार्ट दिखाऊँ, अगर आप आर्ली चार्ट देखिए एल एन टी का, लास्ट के एक घंटे में इसमें काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है, यू कैन सी हियर, ये देखिए और ये देखिए आज के दिन की कैंडल्स है ये। और अगर आप देखें साइकोलॉजिकल, इसने लेवल तोड़ दिया है 800 का, 800 के नीचे क्लोजिंग दिया है जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, 800 के नीचे क्लोजिंग दिया है और काफ़ी अच्छा सेलिंग सेटअप है इसका। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें वापस 740-730 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो एलएनटी आपको इंट्राडे के लिए शॉर्ट करना चाहिए कल के दिन में। पोजिशनली भी अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो 730-740 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा टीसीएस। टीसीएस में अगर आप देखें, ये मैंने डेली चार्ट खोला है और आज के दिन का अगर आप कैंडल देखें, ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर है, ऊपर के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिली है। 1900 के लेवल से ये गिरना स्टार्ट हुआ और करीबन 1778 के आसपास तक गिरा है, वहां तक क्लोजिंग दिया है। अब ये जितने भी लॉन्ग ट्रेडर्स थे यहाँ पर जिन्होंने बाई किया था, ये अगर आप देखें ये अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके समझाता हूँ। अब ये जो हैमर बनाया है इसका लो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये लो तोड़ता है तो ये जितने भी लॉन्ग ट्रेडर्स हैं ये लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने के लिए आ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये 1730-1740 अगर तोड़ता है तो इसमें एक पैनिक सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। सो टीसीएस भी काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के दिन के लिए। तो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए टीसीएस शॉर्ट, एल एन टी शॉर्ट, ये दो स्टॉक्स पे ध्यान देना है। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी सेल में ही रहे, इंट्राडे में और पोजिशनल, इंट्राडे में और पोजिशनल दोनों में सेल में ही रहे। एसबीआई भी मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद है, एसबीआई भी चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है और एसबीआई देखिए प्रीवियस क्लोज के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सो मुझे लगता है ये वापस 175-180 तक के लेवल्स भी रिटेस्ट कर सकता है। सो यहाँ से करीबन करंट लेवल से 7-8 रुपये का फॉल और हमें देखने को मिल सकता है। तो SBI भी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट अभी भी है। आपके पास SBI, L&T और TCS ये स्टॉक्स हैं जिनमें आपको सेलिंग में ध्यान देना है, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये दोनों में भी सेलिंग में ही ध्यान देना है। मैंने टेलीग्राम का चैनल लिंक में दिया हुआ है,
लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, सो मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।